मॉर्निंग क्लास सेकंड वेलकम टू द चेतेश्वर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी में। चैप्टर 5 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हिंदी में आपके हिंदी की बुक का पेज नंबर 33, आपकी हिंदी की जो बुक है उसका पेज नंबर 33 पे देखो, चैप्टर नंबर 6 है। उसका नाम क्या है? अक्लमंद बकरी। चैप्टर का क्या नाम है? अक्लमंद बकरी, मतलब होशियार या इंटेलिजेंट। तो देखो चैप्टर क्या है, एक पहाड़ की गुफा में जंगली बकरियों का एक झुंड रहता था। क्या रहता था? एक पहाड़ की गुफा थी, वहाँ क्या था? जंगली बकरियों का एक झुंड रहता था। उस गुफा के नीचे एक दूसरी गुफा में सियारों का एक जोड़ा रहता था। जिस गुफा में जंगली बकरियों का झुंड रहता था उसी गुफा के नीचे एक और गुफा थी, उसमें क्या रहता था? सियार का एक जोड़ा रहता था। जब भी कोई बकरी झुंड से अलग होती तो सियार उसे मारकर खा जाता है। जब भी कोई बकरी अपने झुंड से अलग होती तो वो सियार का जो जोड़ा था वो क्या करता था? उस बकरी को मार के खा जाता। अकेले बकरी को देख के मार के खा जाता था। झुंड की सरदार बकरी ने देखा कि बकरियां कम होती जा रही है। झुंड की जो सरदार बकरी थी उसने देखा कि बकरियां क्या हो रही है, कम होती जा रही है। उसने सोचा जरूर दुष्ट सियार उन्हें खाकर मार रहे होंगे। उसने क्या सोचा कि जो दुष्ट सियार जो जोड़ा था वो क्या कर रहा था? बकरियों को मारकर खा रहा था। मैं अपनी बकरियों को सावधान रहने के लिए कहूंगी। फिर वो बकरी जो क्या थी, जो सरदार बकरी थी, वो क्या बोलती है कि मैं अपनी बकरियों को सबको क्या बोलूंगी कि आप लोग सब सावधान रहो। उसने बकरियों को बुलाकर कहा, अकेले बाहर मत जाया करो, नहीं तो वे चालाक सियार तुम्हें खा जाएंगे। तुम लोग झुंड में ही बाहर निकला करो। वो सरदार बकरी बाकी बकरियों को क्या बोलती है कि तुम लोग अकेले बाहर मत जाया करो, जब भी जाओ झुंड में जाया करो, हमेशा साथ रहा करो। अगर तुम में से कोई भी अकेला एक दिखा तो वो जो सियार जोड़ा था वो क्या करेगा? आप लोगों को खा जाएगा। बकरियों ने अपनी सरदार की चेतावनी पर खूब ध्यान दिया। वे सदा झुंड में घूमने लगी। इससे सियार अब उनमें से किसी को भी मार नहीं पा रहे थे। बकरियों ने क्या किया, अपने सरदार की बातें बहुत अच्छे से सुनी और उनको बहुत अच्छे से मानी भी। वो क्या करने लगे, बकरियां क्या करने लगे, हमेशा झुंड में रहने लगी। कोई भी अकेले बाहर नहीं जाता था, जिससे क्या होता था, जो सियार जोड़ा था वो बकरियों को मार नहीं पाता था और वो खा भी नहीं पाता था। नर सियार समझ गया कि बकरियां अपने सरदार के कारण ही इतनी सावधानी और चौकस रहती है। जो नर सियार था वो समझ गया था कि बकरियां सिर्फ अपने सरदार के कहने पर ही इतनी सावधान रह रही है। वो अपनी पत्नी से बोला, जब तक यह सरदार बकरी है तब तक हम किसी बकरी को मारकर खा नहीं सकते। क्या बोला वो अपनी पत्नी को क्या बोलता है? नर जो सियार होता है वो अपनी पत्नी को क्या बोलता है, जब तक ये सरदार बकरी है तब तक हम किसी भी बकरी को मारकर खा नहीं सकते, हमें किसी तरह उससे ही मार डालना चाहिए। फिर वो अपनी पत्नी को क्या बोलता है नर सियार कि हमें क्या करना चाहिए, जो बकरियों की सरदार है उसको ही मार डालना चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है, अगर उसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। देखो क्या बोलता है कि मेरे पास एक तरकीब है लेकिन मुझे उसमें क्या चाहिए, तुम्हारी हेल्प चाहिए, सहायता मीन्स हेल्प चाहिए। माता सियार ने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? जो माता सियार थी, उस सियार की पत्नी थी, उसने पूछा कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? तुम सरदार बकरी से दोस्ती कर लो, फिर उससे कहो कि मैं मर गया हूँ। वो क्या बोलता है अपनी पत्नी को कि तुम सरदार बकरी है, उससे क्या करो, दोस्ती कर लो और फिर उससे कहना कि मैं मर गया हूँ और मुझे मिट्टी में दबाने के लिए तुम्हें उसकी मदद चाहिए, फिर तुम उसे यहाँ ले आना। जैसे ही वह गुफा में घुसेगी मैं उस पर झपट पड़ूंगा और उसे मार डालूंगा। देखो वो क्या बोलता है अपनी पत्नी को कि तुम जाके उस सरदार बकरी से क्या करो, मित्रता कर लो, दोस्ती कर लो और फिर तुम उसे बोलना कि मैं मर गया हूँ और मुझे जमीन में गाड़ने के लिए, जब कोई मर जाता है तो जमीन में गाड़ते उसे, तो जमीन में गाड़ने के लिए तुम्हें उसकी हेल्प चाहिए और जैसे वो गुफा में आएगी तो मैं क्या करूंगा, उसे झपट कर मार दूंगा। माता सियार इन सब बातों से सहमत हो गई। पहाड़ की ढलान पर जाकर उसने सरदार बकरी से दोस्ती कर ली। जो माता सियार थी उसने क्या किया, सरदार उस सियार की बात मान ली और उसने क्या किया, बकरी से जाके दोस्ती कर ली।
कुछ दिन बाद मादा सियार ने बकरी से कहा, एक बुरी खबर है, पिछली रात नर सियार अचानक मर गया। कुछ दिन बाद है ना, जो मादा सियार थी उसने बकरी सरदार से क्या बोला कि एक बुरी खबर है, पिछली रात क्या हुआ, नर सियार मर गया। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करे। वो क्या बोलते हैं सरदार बकरी को कि मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके, केवल तुम ही हो मेरी सखी हो, क्या तुम उसका शरीर मिट्टी में दबाने में मेरी सहायता करोगे। देखो क्या बोलती है बकरी को मादा सियार के ना, ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके, ऐसी कोई केवल तुम ही हो जो क्या मेरी सखी हो, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे नर सियार का शरीर मिट्टी में दबाने के लिए। किसको बोलती है मादा नर, मादा सियार बोलती है, किसे बोलती है सरदार बकरी को। बकरी ने कहा, सखी मुझे तुम्हारे नर सियार से अब भी डर लगता है, मैं तुम्हारी गुफा में नहीं जा सकती। वो क्या बोलती है बकरी नर सियार मादा सियार को कि मुझे तुम्हारे नर सियार से अभी भी डर लगता है, मैं तुम्हारी गुफा में नहीं जा सकती। डरो मत मादा सियार बोली। फिर वो वापस सियार की पत्नी क्या बोलती है, तुम डरो मत, मरा हुआ सियार तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, कृपा करके मेरी मदद करो। क्या बोलता है कि तुम डरो मत और मरा हुआ सियार तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, मैं कृपा मेरी मदद करो। बहुत कहने पर बकरी मादा सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे शक था, इसलिए उसने सोचा कि वह पूरी सावधानी बरतेगी। जब मादा सियार ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की तो सरदार बकरी ने क्या किया, उसकी बात मानी और उसके साथ गुफा में चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसको पूरी सावधानी के साथ वो पूरी सावधानी बरतने लगी। उसने गुफा का रास्ता दिखाने के लिए मादा सियार से आगे आगे चलने को कहा। उसने क्या किया, गुफा का रास्ता दिखाने के लिए मादा सियार को आगे आगे चलने के लिए कहा। मरने का बहाना कर लेटे हुए नर सियार ने जब पैरों की आहट सुनी तो वह अधीर हो उठा। मरने का बहाना, जो नर सियार था वो क्या कर रहा था, मरने का बहाना ही कर रहा था। उन दोनों का प्लान था सरदार बकरी को मारने का, इसलिए वो क्या कर रहे थे, धोखे से सरदार बकरी को कहाँ लेके आए थे, गुफा में लेके आए थे। तो देखो, मरने का बहाना कर लेटे हुए नर सियार ने जब पैरों की आहट सुनी तो वह अधीर हो उठा। उसने जरा सा सिर उठाया और एक आंख से देखा, उसने क्या किया, वो तो मरा हुआ था, जैसे सांस सुनी तो वो अधीर हो उठा। उसने ना जरा सा सिर उठाया और एक आंख से देखा, बकरी पहले से ही चौकस थी। बकरी क्या थी, पहले से ही वो चौकस थी, सावधानी बरत रही थी। उसने उसने यह सब देख लिया था, उसने क्या देखा था, उसने नर सियार को देख लिया था। वह मुड़ी और वहां से भाग गई। फिर क्या किया, उसने नर सियार को देख लिया कि नर सियार मरा हुआ नहीं है, जिंदा है। और वो क्या किया, वह मुड़ी और वापस भाग गई। मादा सियार उसके पीछे पीछे भागी और उसे वापस आने के लिए कहने लगी, लेकिन बकरी ने सीधे घर पहुंचकर एक सांस ली। मादा सियार ने क्या किया, वो भी बकरी के पीछे पीछे भागी और उसको क्या बोला कि वापस आ जाओ, लेकिन बकरी ने क्या किया, वो सीधा कहां पहुंच गई, अपने घर पहुंच गई। मादा सियार वापस अपनी गुफा में आ गई। नर सियार ने उससे पूछा, अब क्या करें, बकरी को फिर से यहाँ कैसे लाए। फिर मादा सियार वापस गुफा में चली गई। तब किसने पूछा, नर सियार ने क्या पूछा कि अब हम बकरी को वापस कैसे लाएंगे, बकरी तो भाग गई, मैंने उसे वापस लाने की कोई ना कोई तरकीब निकालूंगी। जब वापस कौन बोलती है, मादा सियार बोलती है, किसे बोलती है, नर सियार को, कि मैं ना कोई ना कोई तरकीब उसे कोई ना कोई तरकीब निकालूंगी उसे वापस लाने के लिए। वह फिर बकरी के पास पहुंची, उसने बकरी से कहा, मादा सियार फिर कहां पहुंची, अपनी सखी जो बकरी थी उसके पास। उसने बकरी से कहा, तुम्हारा हमारे घर आना तो वरदान साबित हुआ, मेरा सियार जीवित हो गया। देखो क्या बोली, तुम्हारा मेरे घर आना तो क्या हुआ, एक वरदान साबित हुआ, मेरा मरा हुआ सियार जो मेरा पति था वो क्या हो गया, फिर जीवित हो गया। हम बहुत खुश है और चाहते हैं कि आज रात तुम हमारे साथ दावत खाओ। क्या बोलती है कि हम दोनों बहुत खुश है और हम चाहते हैं कि तुम आज रात हमारे साथ क्या खाओ, दावत खाओ, मतलब आज रात तुम हमारे साथ क्या करो, डिनर करो। कौन बोलता है, मादा सियार बोलती है, किसे बोलती है, बकरी सरदार को। बकरी को पता था इन सियारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बकरी को क्या था, पता था कि इन सियार पे क्या नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने सोचा कि इन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि इन्हें भ्रम इन्हें उम्र भर याद रहे। फिर वो बकरी क्या सोचती है कि इन दोनों को ना ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें तो ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि वो हमेशा याद रहे।
उसने मादा सियार से कहा, मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा सियार जीवित है। शाम को मैं जरूर दावत खाने आऊंगी और मेरा एक साथी भी मेरे साथ आएगा। देखो वो वापस क्या बोलती है बकरी सरदार के मादा सियार को, कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा सियार क्या हुआ जीवित है। मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगी दावत खाने, लेकिन मेरे साथ मेरा एक मित्र भी आएगा, मेरा एक फ्रेंड भी आएगा। मादा सियार ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन आएगा? फिर वापस उसने पूछा मादा सियार ने, तुम्हारे साथ कौन आएगा? बकरी ने उत्तर दिया, एक शिकारी कुत्ता, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी कुत्ता। आज रात तुम हमारी राह जरूर देखना। देखो फिर क्या क्या सरदार बकरी ने भी क्या लिया, अपना दिमाग का यूज लिया। उसने क्या बोला कि मेरा एक क्या है शिकारी कुत्ता है, शिकारी डॉगी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी कुत्ता है, वो क्या मेरा फ्रेंड है। तो आज रात मैं उसके साथ तुम्हारे घर पे क्या आऊंगी, दावत खाने आऊंगी। तुम क्या करना, मेरा इंतजार करना। यह सुनकर मादा सियार बहुत डर गई। अब मादा सियार शिकारी कुत्ते का जैसे उसने नाम लिया तो मादा सियार क्या हुई, बहुत डर गई। वह भागी भागी अपनी गुफा में पहुंची और नर सियार से बोली, चलो यहाँ से तुरंत भाग चले। उसने क्या किया, वो जल्दी जल्दी गई और कहाँ गई, अपनी गुफा में नर सियार के पास, और उसको बोला चलो चलो यहाँ से जल्दी भाग चले। अपनी जान बचाने के लिए दोनों वहां से भाग गए और फिर कभी उस गुफा में नहीं आए। उन दोनों ने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए दोनों क्या किए, गुफा से भाग गए और फिर दोबारा कभी गुफा में नहीं आए। तो ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था अकलमंद बकरी। बकरी ने क्या किया, अपनी अकल का इस्तेमाल किया और कैसे बच गई, वो अकल के इस्तेमाल से बची। अगर उसके पास अकल नहीं होती तो वो क्या होता, वो मर जाती। स्टोरी क्या थी, एक बार वापस शॉर्ट में पढ़ते हैं। दो सियार थे, एक मादा नर सियार थी, एक मादा सियार थी और एक नर सियार था। और क्या थी, बकरियां थी और एक बकरियों की सरदार थी। जो सरदार बकरी थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा होशियार थी। क्या थी, होशियार थी, वो अकलमंद थी। तो जिस पहाड़ी पे, जिस गुफा में बकरियां रहती थी, वहीं पे नीचे कौन रहते थे, सियार, वो जोड़ा रहता था, वो दोनों सियार रहते थे। तो जब भी बकरियां झुंड में निकलती और कोई एक बकरी अपने झुंड से अलग हो जाती तो वो क्या करते थे, सियार बकरी को मार के खा जाते थे। फिर धीरे धीरे बकरियां कम होने लगी तो सरदार बकरी को पता चल गया कि बकरियां कम हो रही है। तो उसने अपनी बकरियों को कहा कि तुम लोग सावधानी से रहा करो, अकेले बाहर मत जाया करो। सरदार बकरी की सब बकरियों ने बात मानी, वो हमेशा झुंड में रहने लगी, जिससे क्या हुआ, सियार जो जोड़ा था वो क्या हुआ, उसको खाने के लिए नहीं मिलता था। तो उन दोनों में से नर सियार ने सोचा कि क्यों ना हम सरदार बकरी को ही मार दें। तो उन दोनों ने क्या बनाई, एक योजना बनाई सरदार बकरी को मारने के लिए। क्या योजना बनाई, नर सियार ने मादा सियार से कहा कि तुम सरदार बकरी से क्या करो, दोस्ती करो और फिर उसे बोलना कि मैं मर गया हूँ, मुझे मिट्टी में दबाने के लिए तुम्हें उसकी हेल्प चाहिए। तो फिर थोड़े दिन बाद दोस्ती करने के बाद जो मादा सियार थी वो बकरी के पास जाके क्या बोलती है कि मेरा जो नर सियार था वो मर गया है, उसे मिट्टी में दबाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। तो वो क्या करती है, बकरी उसके साथ चली जाती है। लेकिन बकरी क्या थी, बहुत होशियार थी, वो पहले से ही सावधानी बरत रही थी पूरी। जैसे ही वो गुफा में जाती है उसने नर सियार को हिलते हुए वो देख लेती है और फिर वो जल्दी से वापस भाग के अपने घर पे अपनी गुफा में चली जाती है। फिर दोबारा वो क्या बोलते हैं, मादा सियार जो है वो नर सियार मादा सियार को बोलता है कि अब हम बकरी को वापस कैसे लाएंगे। तो मादा सियार बोलती है कि मैं उसको वापस लेके आऊंगी। मादा सियार कहाँ जाती है, वापस सरदार बकरी के पास जाती है और उसको क्या बोलती है कि मेरा तुम्हारे शुभ कदम मेरे गुफा में क्या है कि मेरा जो नर सियार था जो मर गया था वो क्या हो गया, जीवित हो गया। हम दोनों बहुत खुश है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर पे क्या आओ, दावत खाने आओ आज शाम को। बकरी समझ गई कि इन दोनों पे क्या नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उसने वापस अपने अकल यूज लेके क्या बोला कि हाँ मैं तुम्हारे घर दावत खाने आऊंगी, लेकिन मेरे साथ मेरा एक मित्र भी आएगा। फिर मादा सियार पूछती है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा कौन सा मित्र आएगा। तब बकरी सरदार क्या बोलती है कि मेरे साथ एक शिकारी कुत्ता है, इस जंगल का जो सबसे बड़ा शिकारी कुत्ता है वो मेरा मित्र है, मैं उसके साथ तुम्हारे घर पे शाम को दावत के लिए आऊंगी। ये बात सुनकर मादा सियार डर जाती है। फिर वो दौड़े दौड़े अपनी गुफा में जाकर नर सियार को ये बात बताती है और वो दोनों क्या करते हैं, हमेशा के लिए गुफा से भाग जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर 5, इसके शब्दार्थ आज अपन कर लेते हैं। सॉरी चैप्टर 6 है अकलमंद बकरी, इसके शब्दार्थ भी आज ही कर लेते हैं अपन। देखो
कितने शब्दार्थ है, 1 2 3 4 5 6 7 7 शब्दार्थ है। तो देखो यहाँ पे शब्दार्थ लिखो आप, सबसे पहले क्या है देखो, शब्दार्थ फर्स्ट देखो क्या है, पहाड़ क्या है, पहाड़ का क्या होगा पर्वत, क्या होगा पर्वत, पर्वत पहाड़ का शब्दार्थ क्या होगा पर्वत। उसके बाद देखो अगला क्या है, गुफा क्या है, गुफा, गुफा का शब्दार्थ क्या होगा, गुफा का शब्दार्थ होगा मांड, 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 गुफा का क्या शब्दार्थ होगा मांड। फिर अगला क्या है, चेतावनी क्या है, चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी का क्या होगा शब्दार्थ, चुनौती, क्या होगा चुनौती, 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 चेतावनी का शब्दार्थ क्या होगा चुनौती। फिर अगला क्या है, सावधान, सावधान, सावधान का क्या होगा सतर्क, 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 सावधान का क्या होगा सतर्क। फिर अगला यहाँ पे देखो, मदद, मदद, मदद का शब्दार्थ क्या होगा सहायता, सहायता, मदद का शब्दार्थ क्या होगा सहायता। फिर अगला देखो क्या है, आहट, 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 आहट का शब्दार्थ क्या होगा आवाज, क्या होगा आवाज, 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 आहट का शब्दार्थ क्या होगा आवाज। फिर अगला देखो क्या है, चौकस क्या है, चौकस, 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 चौकस का शब्दार्थ क्या होगा चौकन्ना, क्या होगा चौकन्ना, चौकन्ना। ये हो गए आपके शब्दार्थ। देखो पहला क्या है, पहाड़, पहाड़ का शब्दार्थ क्या होगा पर्वत, गुफा का क्या होगा मान, चेतावनी का क्या होगा चुनौती, सावधान का क्या होगा सतर्क, मदद का क्या होगा सहायता, आहट का क्या होगा आवाज, चौकस का क्या होगा चौकन्ना। ये थे आपके चैप्टर 6 के शब्दार्थ। आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन 1, 2 और 3, इस चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन है वो करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।